नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। कम खर्च में घर कैसे चले, हाउ टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर। ये औरतों का बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्ज बन जाता है कि हम औरतें घर किस तरह से चलाएं। यही है फ्रेंड्स आज का टॉपिक, तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। देखिए ज्यादा में बहुतायत में एक्सेस में घर चलाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जब हो जाता है जब कम पैसों में सुव्यवस्थित तरीके से और एक सुघड़ गृहिणी के रूप में घर चलाना पड़ता है। कई मैंने देखा है कई लेडीज़ की, कई हाउसवाइफ की आदत होती है कि उनसे कम में काम ही नहीं होता कि अरे ये तो मेरे से तो इतने कम में ये बनेगा ही नहीं। तो ये वाली चीज़ है कि देखिए जब ज़्यादा पैसा होता है ना तो कोई भी कुछ भी कर सकता है उसके अंदर, लेकिन कम पैसों में घर चलाना एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक कला है। तो आइए इस आर्ट को सीख लेते हैं आज। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं कम पैसे में घर चलाने के 5 तरीके। कम खर्च में घर कैसे चलाएं, सस्ता भी खाएं, अच्छा भी खाएं, हेल्दी भी डाइट लें, बैलेंस डाइट भी लें। कैसे कर सकते हैं ये देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप 400-500 रुपए किलो एप्पल मिल रहे हैं या कोई और दूसरा फ्रूट इतना महंगा मिल रहा है उस समय आप वही खाएं। आप सीजनल फ्रूट्स ला के रख सकते हैं घर पे बच्चों के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली इतने महंगे एप्पल खाने से बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। उसकी जगह आप सिंपल दाल सब्जी रोटी जो है उससे भी आपको काफ़ी प्रोटीन्स और विटामिन मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको सब्स्टिट्यूट देखना है इस चीज़ का। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है यहाँ से हाउसवाइफ्स की। हेल्दी भी बनाइए, अच्छा भी बनाइए, टेस्टी भी बनाइए, सबको पसंद भी आए साथ में, और उसमें सारे भरपूर जो न्यूट्रिशन है वो सबको सबको चीज़ें मिल जाएँ और सही उसमें मिल जाएँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फ्रूट्स खाएँ, महंगा नॉनवेज खाएं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके जो आप उस समय अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पर्टिकुलरली कुछ एक्स्ट्रा डिशेस बहुत ज़्यादा मत बनाइए। कई लोगों को मैंने देखा चार चार सब्जी बना लेते हैं। सपोज करिए आपके बच्चों की पनीर के पकोड़े खाने की इच्छा है और देखिए आप उसमें रिफाइंड ऑयल भी ज़्यादा लगेगा और ऊपर से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इतने अच्छे नहीं हैं। उसकी जगह आप उनको एक पनीर का पराठा बनाकर दे सकती हैं तो उससे उन्हें न्यूट्रिशन भी भरपूर मिल जाएगा, उसमें ऑयल भी कम लगेगा तो तेल की बर्बादी कम होगी, प्लस उनकी हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढने कि किसकी जगह क्या करने से कहाँ बचत हो सकती है। घर में एक छोटी छोटी चीज़ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी आपको ये तरीका, डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू सेव द मनी। कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़िए जहाँ आपको लगता है अगर पैसा बच सकता है तो वो पैसे को बचाने की कोशिश करिए। और ये देखिए आज की बचत ही आपके कल के लिए काम आएगी, बच्चों के काम आएगी, आपकी फैमिली के काम आएगी। जो सेकंड टिप है पैसे सेव करने का, कम पैसों में घर चलाने का, वो ये है कि देखिए हस्बैंड घर में सामान लेके आना जानते हैं, वो ला के रख देते हैं। अब उसको महीने भर किस तरीके से अच्छी तरह से सुनियोजित तरीके से चलाना है ये एक गृहिणी का काम है। ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उस सामान को किस तरह से चलाती हैं। बहुत ज़्यादा चतुराई और समझदारी से अपनी घर गृहस्थी को चलाइए मेरी प्यारी सखियों, क्योंकि देखिए ये ऐसा वक्त है ना इस समय कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि सब अपनी अपनी परेशानियों से परेशान हैं। ये अपनी थाली के लिए रोटी खुद ही कमानी पड़ती है। इतना अच्छे तरीके से प्लानिंग से चलिए कि कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, क्योंकि आर्थिक मंदी की वजह से कोई भी आपकी हेल्प करने में सक्षम नहीं है, सभी लोग परेशान हैं इस समय। तो ऐसे में आप अगर किसी से हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखेंगी तो आप इस समय कोई हेल्प भी नहीं करेगा। आपको करना क्या है, आपके हस्बैंड जब सामान लेकर के आते हैं आपने उसको अगर आप ढंग से नहीं चलाया और आपने थोड़े टाइम बाद फिर उनको बोला ये लेकर आओ वो लेकर आओ, तेल ख़त्म, आटा ख़त्म, सब्जी ख़त्म, घी ख़त्म, तो सोचिए कि उनको क्या चीज़ लगेगी। भैया अभी तो मैं लाया था तो अच्छा मैदा तो आपको मैंने उस दिन कचौरी बना के खिला दी, दो तीन दिन पहले बच्चों के लिए मैंने समोसे बनाए थे, घी तो मैंने उसमें लगा दिया, हलवा बनाया था। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कब किस तरह से कितना आपके पास राशन है और आपको कितने दिन तक उसको चलाना है। अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगी फिर थैला पकड़ाना पड़ेगा हस्बैंड के हाथ में, जाके लिए ये ले आइए वो ले आइए, खुद लेने जाएंगी तब भी बात वही है कि खर्चा तो आपका हो ही जाएगा। फिर आप कोई करना क्या है कि आपको विकल्प ढूंढने हैं, आपको सूझबूझ से काम लेना होगा कि किस तरीके से कम खर्चे के अंदर मैं परिवार के सब मेंबर्स को अच्छी डाइट भी दूँ, सब खुश भी रहें और कम खर्चे में भी काम किस तरह से चले। तो उसके लिए आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। जैसे मैंने कभी पनीर के पराठे का एग्जांपल दिया आपको, तो वही चीज़ है कि कम खर्चे में और अच्छा और हेल्दी खाना किस तरह से खिला सकते हैं पूरे परिवार को। कम पैसे में घर चलाने से बहुत कई लोग तो बहुत जल्दी उग जाते हैं, ज़्यादा में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छा लगता है ना, बहुत आया तो खूब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप कुछ भी कर लो उनमें से, वो तो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन जब कम पैसों में घर चलाना पड़ता है तो कई लोग इस चीज़ से उग जाते हैं कैसे करें। तो उसके लिए रास्ता ढूंढिए, ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, कुछ अच्छे विकल्प ढूंढिए कि इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता है, ये आपको करना है किस तरह से करना है।
ऑल्टरनेट अच्छा भी हो सकता है, बल्कि अपनी चादर को जरूर से ज़्यादा आगे मत फैलाइए, और आपको अपनी चादर की लंबाई दिख रही है उससे थोड़ा पहले ही अपने पाँव सिकोड़ लीजिए। मैं तो कह रही थोड़ा नहीं, काफ़ी पहले अपने पैर सिकोड़ लीजिए। साड़ी, कपड़े, गहने, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, हेल्दी खाना खाना, स्वस्थ रहना और अपने परिवार को स्वस्थ रखना, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह करवाना और कोई अच्छी स्किल्स सीखना। साड़ी और कपड़े खरीदने की योजना मत बनाइए, राशन की लिस्ट बनाइए। है क्या ज़रूरी है, किचन में जाके देखिए कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, और उसको एक नोट पैड और एक पेन वहीं पर रख लीजिए, कितना बचा है और महीने के आखिरी तक कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी चीज़ लानी पड़ेगी, उसको लिस्ट में लिखते जाइए, ताकि वही चीज़ लेकर आए जो कि ख़त्म होने वाली है। इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के बेसिस पे कि किस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है और किस चीज़ के बिना हमारा काम चल सकता है, ये चीज़ आपको देखनी है। जिन चीज़ों के बिना काम चल सकता है उस चीज़ को बिल्कुल रहने दीजिए, और जो काम, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं सिर्फ उन्हीं को मंगवाइए। आपने अभी ध्यान दिया होगा, अभी ये जिस समय कोरोना के टाइम लॉकडाउन था तब भी देखिए किराने की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें, दूध की दुकानें सारी की सारी खुली हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, वो साड़ी, गहने और कपड़ा नहीं है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को लाइए, और जिसके बिना कैसे भी करके काम चल सकता है ना, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको मत लाइए। अभी कोई विकल्प ढूंढिए, इस चीज़ के बिना इसकी जगह ये चीज़ से काम चल सकता है, ए की जगह बी चीज़ से काम चल सकता है, ऑल्टरनेट ढूंढिए। अगर बाय द वे आपका काम ऑल्टरनेट से चल जाता है तो बहुत अच्छा है, वो भी एक तरह से सेविंग ही है। के ऊपर देखिए, सबसे बड़ी जो वेस्टेज घर के अंदर होती है वो होती है बिजली और पानी की। पानी अगर वेस्टेज बहुत, मैं कई देखती हूँ कई लोग बच्चों को भी नहीं टोकते हैं, पानी बहा रहे हैं, बाथरूम में गए नहाने के लिए, काफ़ी देर तक निकलते नहीं। अरे यार, उनको आपको एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस दो कि एक बाल्टी से ज़्यादा पानी, एक बाल्टी से ही तुमको नहा के बाहर आना है, उससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। यही चीज़ लाइट की होती है। अगर हम लोग सब बैठे हैं और लाइट अगर एक जगह की जल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऊपर के पंखे चल रहे हैं, कई दूसरे बच्चों के कमरे का एसी चल रहा है, वो आपके कमरे में बैठे लेकिन बच्चों के रूम का टीवी चल रहा है फालतू में, अंदर चलना किचन में आपने काम किया वहाँ पे चिमनी चल रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अगर यूज़ हो चुका है ना जिन चीज़ों का, माइक्रोवेव आपका खाना गर्म हुआ लेकिन वो चालू रह गया, आपको उसको ध्यान नहीं रहता है, उसको बंद करना है, कोई भी चीज़ देखिए ये भी एक तरह से पैसे को आग लगाने के बराबर ही है। अगर आप बिजली का ध्यान नहीं रखते, पानी का ध्यान नहीं रखते, अगर ये छोटी मोटी सेविंग करें ना हम टाइम से सब चीज़ों को बंद करने की, और एक रिस्पॉन्सिबल बने ना इन चीज़ों को लेकर के, तो हर एक महीने 1000 से 2000, मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, आराम से, बहुत आराम से सेव हो सकते हैं। देखिए, रियल हाउस वाइफ जो एक सुघड़ पत्नी, बीवी नंबर वन तो वही होती है, कम में काम चलाकर सब तरह से अव्वल रहे, घर को बहुत अच्छी तरीके से कम पैसों में चलाए और 4 पैसे आपके आने वाले कल के लिए सेव करें। कोई अगर 10,000 की जगह कोई चीज़ अगर 2,000 में मिल रही है तो उसे काम चला सकते हैं अगर आप, तो चला लीजिए। क्योंकि देखिए, लाइक एक एक पैसा, अगर एवरी पेनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग जो है देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप एक एक पैसा बचाएंगे ना, तो एक, अगर जब तक देखिए 1 रुपया नहीं मिलाएंगे ना, तो 99 से 100 नहीं होंगे। 100 रुपये की रकम डालने के लिए 1 रुपया डालना पड़ेगा, तो 1 रुपये, 1-1 रुपये की वैल्यू है। उस चीज़ को समझिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस। आपको वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज़ शेयर करिएगा अपने व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।